नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर के माध्यम से कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक है हमारे अतीत, तो यह मैप दिया हुआ है, यह उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। इसमें हम आप लोग यह पूरा मैप देख रहे हैं, कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत। तो इसमें एक जगह है नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी के बारे में बहुत छोटा वीडियो है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह एनसीईआरटी का स्पेशल फैक्ट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी स्पेशल फैक्ट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए, जो यह मानचित्र आप देख रहे हैं, जो यह उपमहाद्वीप का मानचित्र है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, ये आपका नर्मदा नदी देख रहे हैं, नर्मदा नदी। तो इसी जगह आपका नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी है, ठीक है। और यह नर्मदा घाटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वर्ष पहले, मतलब हजारों वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले, आप मान सकते हैं कई लाख वर्ष पहले, बहुत सारे लोग यहाँ पर बसे हुए थे, ठीक है। मतलब मनुष्य सबसे पहले अगर कहीं बसा, कहीं स्थायी रूप से रहा तो वह नर्मदा घाटी ही है। पूरे विश्व में वह मनुष्य जो सबसे पहले कहीं अस्थायी रूप से बसा तो वह नर्मदा घाटी है। और नर्मदा घाटी में ही एक जगह है भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका की एक गुफा भी है, भीमबेटका की गुफा है, जिसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य यहाँ पर बसा और वह कुशल संग्राहक था। वह जंगलों की विशाल संपदा से परिचित था और वह भोजन के लिए जड़, फल और जंगल के उत्पादों पर निर्भर था और उसका संग्रह करता था। सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर भीमबेटका में या नर्मदा घाटी में लोग यहाँ पर सबसे पहले बसे और वस्तुओं का संग्रह किए और जानवरों का आखेट भी करते थे, शिकार भी करते थे। इसीलिए भीमबेटका की गुफाओं में शैलचित्र मिले हैं। शैलचित्र का मतलब क्या हुआ है कि पत्थरों पर चित्रकारी की गई है, पत्थरों पर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से चित्रकारी की गई है। तो यह भीमबेटका जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी भीमबेटका है या नर्मदा घाटी है, यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य सबसे पहले स्थायी रूप से बसा और वहाँ पर रहा, ठीक है। और भीमबेटका का नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में महाबली भीम यहाँ पर रुके हुए थे अज्ञातवास के दौरान और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया हुआ था, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा, ठीक है। तो नर्मदा घाटी वह एक ऐसा जगह है, यह जान लें, कि जहाँ मनुष्य सबसे पहले अस्थायी रूप से निवास किया और साथ ही साथ वस्तुओं का संग्रह किया। एक कुशल संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं कि वह वस्तुओं का संग्रह किया, जंगली उत्पाद का या जो भी जानवर मारकर लाता था उसकी हड्डियों का संग्रह किया या जो भी जंगली फल फूल अनाज आदि का संग्रह करने लगा और अस्थायी रूप से बसने लगा। तो यह नर्मदा घाटी, और इसी नर्मदा घाटी में भीमबेटका नाम की जगह है जहाँ पर शैलचित्र होने के प्रमाण मिले हैं, मतलब पत्थरों पर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से चित्रकारी की गई है। तो यह बात आप जानना है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।